एकदम मीठा है गाइज, बबाल है। होता है ना, मासु से भी टेस्टी लगता है मुझे मछली यार। यहाँ मजा आ रहा है मेरे भाई। हेलो गाइज, वेलकम बैक टू माई न्यू भिडियो, न्यू डे न्यू एपिसोड। हजुरहरू सबैजनालाई स्वागत छ होइन आजको नयाँ ब्लगमा। अनि जस आजको ब्लग चाहिँ हुन्छ नि घरबाटै सुरु भइसकेको छ होइन, ट्याक्क म घर बाहिर बसिरहेको छु। अनि ट्याक्क त्यतिखेर चाहिँ ट्याक्क 9 बजिरहेछ अनि ट्याक्क हुन्छ नि हिजो देउसी खेलेर आएर केटाहरूसँग आम्मामाम यार हुन्छ नि, जस ढिलो आयो अनि निन्द्रा पनि पुगेको थिएन। अनि त्यो सुतेर पनि ढिलो ढिलो उठ्यो अनि ट्याक्कसँगले अब सुरु फर्स्ट अफ अल म खाना खान्छु। त्यो खानासानाको पनि व्यवस्था भइसक्यो होइन, मासु भने जस्तो भयो हार्ट टचिङ हुन्छ। अनि के हुन्छ नि गाइस, त्यही हो तपाईँहरूको तिहार के कस्तो भयो होइन, हाम्रो चाहिँ रमाइलो भयो। दिपावली जस देउसी चाहिँ खेलियो, राति आइयो होइन, ट्याक्क राति खाना भन्नेले पनि खाइयो। तर अब हुन्छ नि, अब ट्याक्क सधैँ खाने एउटै टाइममा खायो भने चाहिँ जे होस् खाना पनि बब्बाल रुच्छ होइन, जे होस्। अनि ढिलो ढिलो भयो खाना, अब हुन्छ नि 12-12:30 बजीतिर खाना खाएको, अलि रुचेन देउसी खेलेको पैसाले। अनि जे होस् यसो खाजा साजा पनि खाइयो, खाना पनि खाइयो होइन, जे होस् रमाइलो भयो। अनि जे होस् सुताइ पनि जे होस् बब्बाले भयो भन्नाले पनि त्यही हो, 5 घन्टा सुत्यो, धेरै सुतेको छैन, निन्द्रा पनि लागिरहेछ होइन। अब सुत्ने भनेको चाहिँ अब दिउँसो यसो खानासाना खाइयो। अनि आज जे होस् घरमा पनि अब घिउ सिउ बनाएको छ होइन, घिउ बनाएको छ अनि जस मही पनि छ, अनि मही अनि त्यो कुरौनी जस्तो हुन्छ नि त्यो, अब त्यो के भन्छ त्यसको नाम चाहिँ मलाई थाहा छैन, त्यो पनि खानुपर्नेछ होइन, सट्टसँगले खाने हो। तो गाइस मैं घाँस काट्ने के लिए खेत जा रहा हूँ, और क्या बोलता है यार, मैंने ब्लग घर से ही कंटिन्यू करना चाह रहा, लेकिन मेरे पिताजी को ये ब्लग व्लग पसंद नहीं है, सोशल मीडिया पसंद नहीं है, इसलिए मैं कभी भी मेरे माता पिता के सामने ब्लॉग बनाता हूँ वैसा बात नहीं है, लेकिन ब्लॉग बनाने में उतना रुचि नहीं है मेरे माता पिता के आगे, क्योंकि उन लोगों को पसंद नहीं है। तो जो चीज अब हो मेरे बाबा है, तो मैं क्या होनी ब्लॉग छोड़ भाई खजी होना ब्लॉग से अब जे गए मोड़ना छोड़ तर जे हो बाबा मैं मन पर्दैन, त्यही भएर बाबामाको अगाडि चाहिँ म भ्लग बनाउँदिनँ होइन, ट्याक्कसँग एक्लै भएको बेला बनाउने हो, केही छैन। गाइस मैं खेत भी आ गया, और यहाँ होता है ना पड़ोसी का ये बाली है ना, बाली ये पीछे का, यहाँ पर मैं क्या करने आया हूँ गाइस, मैं यहाँ पर घास चोरने के लिए आए, देख रहा हूँ कौन सा खेतों में घास है ला रहे, उसी खेतों में काटूँगा। और चोरी करने के लिए तो डर भी लगता है ना, वो मुझे लग रहा है यार अच्छे से, जल्दी जल्दी घास काटूँगा और चल जाऊँगा। देख रहा हूँ गाइस यार, देख रहा हूँ कौन सा मैं खेतों में घास चोरूँ यार, नहीं घास भी कन्फ्यूज हो यार, ये पीछे का ये बोट है ना, ये हमारा खेत है यार। तो गाइस मैं कन्फ्यूज हूँ यार, अभी तक कन्फ्यूज हूँ कि मैं कहाँ पर घास काटूँ। एक जगह देखे मैंने वो साइड में, ये साइड में देखे, और मैं यहाँ पर अब घास काटूंगा गाइज। तो फाइनली गाइज मैंने घास काट लिया यार, ये पीछे का है मेरे घास, क्या बोलता है यार, कितना दुख करके इतना घास काटा हूँ यार, चोर चोर के, कोई लोग भी यहाँ नहीं है, मैं कितना अच्छा हूँ गाइज, मैं खुद का खेतों का भी ख्याल रखता हूँ और छिमेकियों का भी। और मेरे पीछे धान काटने का मशीन है, वहाँ पर धान काट रहा है, हमारा भी आज धान काटा है, लेकिन मैं नहीं आया था, मैं घर में ही थे, मेरे घर पे ही काम थे, मेरे भैया आए थे खेत पे। तो गाइज अब मुझको यहाँ से निकलना पड़ेगा और डायरेक्ट मिलेंगे मेरा घर पे। तो गाइज मैं घर पर पहुँच गया और यहाँ पर मैंने घास रख दिया बसंती को, इस साइड में उस साइड में यार रख दिया। और हमारा प्लान क्या है अब, कुछ नहीं, वैसा कुछ भी नहीं, लेकिन हमारा प्लान क्या है, तो हम जाएँगे आज कहाँ पर, कहाँ पर जाएंगे हम, मच्छी मारने के लिए जाएंगे हम, मेरा पिताश्री और मैं। और ये कौन है, छोटे इसका दांत भी नहीं है, ये छोटे इसको कोई भी लड़की नहीं देगा, इसका शादी नहीं होगा, तू ऐसा ही रहेगा।
तो अब हम जाएंगे मच्छी मारने के लिए। मैं भी जाऊंगा। तू भी जाएगा? तो आज घर पे के भन्छ नि उयो के अरे घिउ पारेको छ हैन, घिउमा अब ट्याक्कसँगले त्यो घिउ पार्दाखेरि मही हुन्छ नि, त्यो मही पनि छ अनि मही पनि खाने गर्मी गर्मी छ हैन। जाले राइज हो केमा छामा आरीमा छ अरे, टक्क अब ल्याएर खाने हो। लस्सी कितना कडा है गाइस देखिए, और इसमें गाइस क्या बोलते हैं, इतना भी पानी नहीं डाला यार, ये घी बना कर रखा था, ये सुप्पत है मोई प्योर है, प्योर खट्टा भी नहीं है। लस्सी लस्सी ये लस्सी खट्टा भी नहीं है, स्वादिष्ट है। और इसको मैं टेस्ट करूंगा, बहुत गारा है, गारा है गाइस देखिए, थोड़ा सा भी इतना भी इतना सा भी पानी नहीं डाला है यार, प्योर दिखता है। देखिए तो गाइज अब इस लस्सी का मैं टेस्ट करूंगा कैसा है ये। एकदम मीठा है गाइज, बबाल है। गाइज क्या बोलते हैं ना, हम मछली मारने के लिए आ गए और यहाँ से हम बसंती मेरा बसंती से झोला निकाल रहा हूँ मैं, और अब मैं जाऊँगा मछली मारने के लिए। मेरा पिताजी और मेरा भतीज आगे चल गए यार, जा रहे हैं, हम यहीं पर मछली मारेंगे आज, यहीं पर इस लद्दी पर ही हम मछली मारेंगे यार। क्या गाइस क्या हो रहा है यहाँ पर देखिए आप लोग, यहाँ देख लो गाइस, हम वहाँ पर बांध लगा रहे हैं मछली मारने के लिए, यहाँ पर भी मछली मारेंगे शायद, देखते हैं आगे क्या होता है गाइस। यहाँ पर कौन सा मछली मिलता है, लेकिन बड़ा मछली तो नहीं मिलेगा मुझे पता है, लेकिन छोटा छोटा ही खाने के लिए अब तक अच्छा ही, जाड़ा मौसम है ना इसलिए इस वक्त में मछली एकदम टेस्टी होता है गाइस, ये होता है ना, मासू से भी टेस्टी लगता है मुझे मछली यार। यहाँ अब इस वक्त में इस समय में इस साल में छिर्दैछ प्रोसेस जारी है यार, ये खाली सुखाना पड़ेगा हमको मछली खाने के लिए। गाइस कैसा है मेरा बेटा, अच्छे है ना? ठीक है गाइस, देख लो मछली है यार, यहाँ कितना मछली है यार, सूख गए है पानी, थोड़ा सा पानी है यार, इससे ये बांध लगाए ना बीच में, ये वहाँ से वहाँ का पानी यहाँ पर हम डालेंगे, और भाई और सभी डेरी का मजा आ रहा है मेरे भाई, मजा आउँदैछ हो माछा हेर्ने सुरले यता पनि हेर्दैन यो त लिहाँ ला ल ल ल पर डालो यार आज का मछली। हमने गए मछली मार लिया और ये झोले यार देख लो मार लिया, थोड़ा सा है उतना ज़्यादा भी नहीं मारा है, अब हम घर जाएंगे नहाएंगे मछली को तैयार करेंगे और होता है ना खा जाएंगे। तो गाइज आज का दिन ऐसा ही हुआ, तो गाइज आज को ब्लग होइन भनेको अब यस्तै भयो होइन, माया गरिदिनु होला, अब हामी घर जाने घर गरे अब माछा साछाको व्यवस्था हुन्छ, केलाउनु पर्छ नुहाउनु पर्यो यताउति गर्नुपर्छ, त्यही हो आजको ब्लग यहीँ एन्ड गर्न चाहन्छु, लभ यु गाइज, टेक केयर।